पूजा पूजा के स्थान पे बाबा साहब को रखे, बाबा साहब को मानते हो आप? बिना की यही ध्यान है ये अपन आज कुर्सी पे बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। कौन ही पूछ रहा हुआ तो? सही बात है। कितने हो गए? क्या है ना ये क्या लगा रखा है आपने? मैंने इसी लगा रखा है, कोई मेरी अलमारी छूता है, जैसे आप छूते हो ना कुछ निकालने के लिए अपना सामान, तो ऐसे आप जाओगे तो आपको अंदर फंसा देगा। आपके एग्जाम कब से हैं? 19 और मैम ने कहा 18 तक छुट्टी है। अब पढ़ाई करनी ही नहीं करनी कंप्यूटर की? बिल्कुल नहीं करनी। करेंगे 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 जब करनी नहीं तो करेंगे कैसे? ओटीपी आएगा क्या? भेजोगे कि आ गया होगा? ये SBI का एक क्रेडिट कार्ड आया है, मतलब मैं नहीं चाह रहा हूँ नए क्रेडिट कार्ड बनवाना, लेकिन कंपनियाँ मुझे फ़ोन लगा लगा के बिना पूछे क्रेडिट कार्ड भेज रही हैं। बताओ। हमारा जो है ये बाथरूम तैयार हो गया और कुछ प्लम्बिंग का सामान बचा है, वापस करके आना है। ऐसा लग रहा है कोई नई जगह पे आ गया हूँ मैं। बहुत टाइम से मैं ना ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ ना, तो इतने सारे लोग फोन तो लगा ही रहे, लेकिन क्या हो रहा है जब भी मैं किसी दुकान उकान पे जाके खड़ा हो जाता हूँ ना। कल क्या हुआ, मैं एक मेडिकल पे खड़ा हुआ था, पीछे से एक बच्चा आया, होगा शायद वो 16-17 साल का, और धीरे से पूछता है, वीडियो को नहीं आ रहा है, क्या होता है और क्या। मैं ये प्लम्बिंग का सामान लेकर जस्ट ना गाड़ी में बैठा ही था, एक व्यक्ति आया, वो मेरे कान खटखटाने लग गया, वो बोलता है भैया वीडियो को नहीं आ रहा है। अरे मैंने गजब यार, मतलब मैं सोच रहा था कि ग्वालियर में मुझे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और बकायदा वो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और मैं बहुत बार है ना मास्क लगा के रखता हूँ ताकि लोग पहचाने ना मुझे प्राइवेसी की वजह से, लेकिन उसके बावजूद लोग पहचान लेते हैं। ये सामान हमने इनके यहाँ से लिया था, ब्लॉग में ले रहा हूँ आपको मुझे यार। तो ये इनके पास जब मैं पहली बार आया था ना, तो ये मेरे को बोलते हैं कि वीडियो देखते हैं हमारे, इनकी जो शॉप है ये हनी सैनिटरी करके। यहाँ से मुझे ना कंप्यूटर लेके आना है। अब समस्या ये है, कंप्यूटर पड़ा है 2-3 दिन से खराब, और कंप्यूटर की आखिरी सांसें चल रही हैं, मतलब सोचो लगभग 11 साल हो गए हैं कंप्यूटर। हाँ युगल भाई नीचे आना पड़ेगा। तो ये फ्रेम है, क्या उठाओगे युगल भाई? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मत कर रहे हैं। फ्रेम उठाओगे कि ये उठाओगे? उठा लेता हूँ। अरे ये तो चालू नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो यार, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? पावर का स्विच ही नहीं लगाया हमने और कंप्यूटर चालू कर रहा। आज युगल भाई का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे युगल भाई। थैंक यू। तस्वीरें जो है ना, ये बाबा साहब के समय काल में उनके डिफरेंट मनोदशा को दर्शा रहा है। कहीं खुश हैं, कहीं परेशान हैं, कहीं कुछ और सोच रहे हैं, विधान लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गजब की चीज़ है ये, और इसको लगाना है हमको यहाँ पे। हमारा ये इधर लगा है और ऐसे ही हमको इसको इधर लगाना है। पेज दे दो 15, छोटे देना लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं। ये पूजा के स्थान पे बाबा साहब को रखे, बाबा साहब को मानते हो आप? अच्छा कब से? बहुत दिनों से। 60 फुट में सब ऐसे ही हैं, 60 फुट रोड के लोग। ये देखो यहाँ पर बाबा साहब को रखा हुआ है। ये यहाँ पूजा करते हो ना आप, अगरबत्ती लगाते हो अपने माता पिता? ये आपके माता पिता हैं है ना, समझ गया था। इनके माता पिता हैं और वहाँ देखो बाबा साहब की एक स्टैचू रखी हुई है, मतलब आप अम्बेडकरवादी हो और बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो। बिने की यही ध्यान है ये अपन आज कुर्सी पे बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। ये कौन ही पूछ रहा हुआ तो? सही बात है। कितने हो गए? 15-30 रुपये। चलिए ठीक है फिर आता हूँ। कल क्या हुआ, जब तस्वीरें लगाने बैठे हम तो देखा कि भैया पेज तो है ही नहीं, शाम हो चुकी है, बारिश हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। और फिर हमने सोचा कि अब कल ही लगाते हैं, और देखो आज एक नई कहानी हमें मिली। ये 60 फुट रोड जो है ना, ये बड़ी ऐसी जगह है जहां आपको अम्बेडकरवादी लोग भरे पड़े हैं। मतलब आप सोचो कि नॉर्मली मैं खुद ये बोलता हूं कि अगर आप बिजनेस करते हो या राजनेता हो तो आपको है ना सबको लेके चलना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब को फ्रंट पर रख के काम करने वाले ना बहुत कम मिलेंगे। फाइनली In the MKBHD store, MKBHD. भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ। कुछ क्या खाओगी बताओ? दुकान। मैगी बना दूँ? मैगी? नहीं। मैगी बना दूँ? नहीं।
मैं तो सबसे पहले तैयार हो गया। क्या खाओगी? देखो ये आईना के कपड़े पड़े हुए हैं सारे के सारे गंदे, और यहाँ पर जो है पूरे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं इसके। अच्छा अच्छा चलो आओ चलो, मैं चप्पल पहन के जाऊंगा। चलो एसी तो बंद कर दो। जलवे हैं, तुम भी जलवे कर लो। फ्राइड राइस अस्का ले। थैंक यू। फ्राइड राइस पहली बार बनाए हैं, बहुत खराब बने हैं। कैसे बने? बहुत खराब तो नहीं बने। अरे खराब बने मतलब। अच्छा अब नहीं खा रही? खा रही हूँ ना। ये देखो पूरा इसने ना भगोना भर लिया है, एक कटोरी भर ली है। प्याज नहीं खाओगी? और इसका एग्जाम है 18 से कि 19 से? 19। कंप्यूटर खोल लो जल्दी से, कंप्यूटर पहला एग्जाम है ना। मेरा फेवरेट यूट्यूबर डेली ब्लॉग डालने लग गया है, क्या बात है। सब खा लिया इसने, अब इसका पेट हो गया है फुल, अब इसको डकार आ रही है। है ना, सारा सामान पैक करो और अलमारी में रख दो, ठीक है। और ये नाक से भरा हुआ रुमाल ज्यादा दुनिया का बड़ा मेहमान उनके आ रहा है, और ये चड्डा टी शर्ट ज्यादा बड़ी मेहमान बन रहे हैं। चलो रख दो सब अलमारी में रख दो। नहीं ये बड़ा है तो इसको नीचे रखते हैं, इसको ऐसे रखते। जाओ। ये पापा का पजामा ज्यादा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मेहमान बन के आ रहा है। ये हाथ पकड़ लिया उसने। जा रखिया अंदर रख दे। गुड गर्ल। क्या हो गया है ना, बता रहा है ना। यहाँ आपने वीडियो में चटक गई क्या लिखा? क्या लिखा है बताओ। चटक गई। क्या कर रही थी आप? कौन सा केक लोगी, कौन सा फ्लेवर? तो आप चटक गई थी ना इसलिए। अब ऐसी जैसे आप बड़ी होती जाओगी ना, ऐसी आप पुरानी वीडियो देखा करोगी तो बोलोगी अरे छे पापा अपन ने ये भी किया था। चटक गई, चटक जाती कभी कभी। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9 याद होगा आपको। ये तो इंटरनेट है जो आप दिन भर चलाती रहती हो। पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इंटरनेट। मुझे पता है। बताओ बताओ बताओ। 2 सर्च इंफॉर्मेशन, 1 एनी टॉपिक। अरे वाह। और 2 पे। हाँ, दे, हाँ, और फिर उसके बाद मुझे बता, मुझे बता। ऑपरेट। हाँ, बैंक। हाँ, अकाउंट। हाँ, एंड। हाँ, अकाउंट एंड बुक टिकट। अरे वाह गुड गुड, वेरी लड़की गुड। मार रहे। चलो बाय 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 कर लो, की पार्टी कर लो जल्दी से लग गई।